बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के करम फजल के साथ। तो ये मेरे पास जनाब राउटर है डीलिंग का DIR 803 मॉडल, ठीक है। तो जनाब बात करने का मकसद ये है कि आप जब ये राउटर ख़रीदते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि इन राउटर के एक फॉल्ट नज़र आता है। वो फॉल्ट ये आ रहा है कि ये जो ब्लैक कलर की तार है ना, ये 5G की तार है और ये टूटी होती है, ठीक है। ये जैक अंदर होता है इसके, ये ऊपर जो अल्फी है ये भी लगी होती है और यहाँ से तार निकल जाती है। इसकी वजह भला क्या है? इसकी वजह यह है कि इन कंपनी वालों ने ये जो 5G की तार है ना, ये छोटी डाली हुई है। अब जब कोई यूज़र जब ये ज़ाहरी बात है दुबई से सऊदीया से आते हैं ना, तो यूज़र जब ये इसके अल्टीने को मूव करता है ना, आगे पीछे करता है, तो इसकी तार टूट जाती है। फिर वो समझते हैं शायद ये राउटर फारग हो गया, फिर इसी वजह से वो कबाड़ के तौर पर निकाल देते हैं वहाँ से, यानी कि। तो इसका मैंने जनाब एक और मेरे पास राउटर पड़ा है, ये देख सकते हैं आप। तो इसका मैंने टांका लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तो लाइट भी जलाई हुई है, अब शायद आपको सही से नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो। ये आप देख सकते हैं अभी जनाब मैंने ना इसका टांका भी लगाया। अब टांका मैंने किस तरह लगाया है मैं आपको बता सकता हूँ। ये वाली जो तार है ना, ये बाहर वाली साइड पर लगानी है और ये एक इसके अंदर बारीक सी तार होगी वो लगानी है अंदर वाली साइड पर, ठीक हो गया। अब मैं तो अब इसको इससे मज़ीद तो आपको दिखा नहीं सकता, बहरहाल आपको मैंने दिखा दिया है कि अगर ये तार टूटी हो तो आपने इस तरह से इसको रिपेयर करना है। और ये वाला जैक था जो मैंने आपको पहले बताया, ये वाला, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने अगर आपसे रिपेयर होता है तो ठीक है, अगर आप टांका लगाने में माहिर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप मुझसे भी लगवा सकते हैं, मैं आपको लगा दूंगा। आपको पता है भी मेरी तो है रिपेयरिंग लैब, मेरा मोबाइलों का सारा दिन काम होता है। चले ठीक हो गया, अगर आप किसी मोबाइल शॉप पर चले जाएंगे ना, वो भी आपको लगा देगा इंशाल्लाह। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर ये तार टूटी हो तो फिर आपके सिग्नल नहीं आएंगे, ये तार का आप टांका लगाएंगे तो सिग्नल आ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जनाब, अल्लाह हाफिज़।